और जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े एम्स बना लिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना लिए हैं, लेकिन 100% तरीके से कोई भी मेडिकल कॉलेज या एम्स सुचारू रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं। आपने जो वादे करे थे लोगों को, आपने सारे वादे जनता के साथ वो वादों को तोड़ने का काम किया है। सर, जहां आप जीडीपी की बात करते हैं, जहां आप थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वही हमें बात करनी है पर कैपिटा इनकम की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करनी है, हमको महंगाई बांधने की बात करनी है, हमको इलाज मुफ्त और सस्ता दिलाने की बात करनी है। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट में बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा देश किसान प्रधान और कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे किसान और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं हम, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हम सब अपने फर्ज से डगमगा रहे हैं। जहाँ वित्त मंत्री ने 9 प्राथमिकताओं की बात करी और कृषि को जहाँ पहला स्थान दिया गया, वही मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है। जहाँ यह कहा गया था कि 2024 तक आप किसान की आय दुगनी कर देंगे, 22 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, और जहां एमएसपी का वादा किया गया था, तो मैं पूछना चाहूंगी कृषि मंत्री से कि आज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट या सरकार द्वारा दिया जा रहा है, यूपी को इस बजट के तहत क्या मिला है, क्या एक भी मंडी पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बनी है, और अगर किसान की जरूरतमंद जैसी चीजों पर क्या यह सरकार ने कोई भी जीएसटी माफ करी है, या खाद में सब्सिडी देने में सरकार कायम रह पाई है, और जहां खुद प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में और उन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि वो आवारा मवेशियों की समस्या से किसानों को हल दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे, तो क्या इस आवारा पशुओं की जो समस्या है जिसकी वजह से आज हमारा देश चौकीदार बन गया है, रात भर सो नहीं पा रहा है, तो क्या कोई प्रावधान बजट में रखा गया है इस समस्या को लेके? इसी के साथ जहाँ किसान आंदोलन में लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जहाँ उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में जहाँ किसानों को रौंदा गया मंत्री जी के बेटों द्वारा, हम पूछना चाहते हैं सरकार में, इस सरकार से, कि जहाँ जो 2014 से 22 तक लगभग 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, तो हम वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल किसान लाभ कितना मिला है, और कहीं इसमें गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है। यह सरकार लगातार एक दशक से किसानों की अवहेलना कर रही है, गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, और इसकी एक बड़ी वजह महंगाई है। और जहां मनरेगा में इस सरकार ने 89,000 करोड़ का बजट दिया है, तो हमारी मांग है कि कम से कम 100 दिन की वेजेस मनरेगा के तहत लोगों को सुनिश्चित करी जाए और लगभग 20% मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। इसी के साथ शिक्षा बजट में भी लगातार हमारा घट रहा है, जहां यह केवल आज 2.5% है ऑफ द टोटल बजट स्पेंडिंग एलोकेशन, और जहां यूनेस्को ने यह बेंचमार्क दिया है कि लगभग यह 4 से 6% तक होना चाहिए, वही यूजीसी के फंड्स लगातार घटाए जा रहे हैं और इसको लगभग इस बार 7 से 61% घटा दिया गया है। जहां हम बात करते हैं सस्ती और अच्छी शिक्षा की, वही यह सरकार लगातार शिक्षा बजट में बजट जो कम कर रही है, तो मैं समझती हूँ इनकी नीयत कहीं साफ नहीं है, मंशा कहीं सही नहीं है हमारे देश के युवाओं के और स्टूडेंट्स के प्रति। वहीं आज हमारे देश का युवा निराश है,
जहां निराशा संभव को भी असंभव बना देती है। तो मैं समझती हूं जो वादे किए गए थे जो रोजगार को लेके, सरकार पूरी तरह इसमें विफल रही है और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। जहां आज यह बेरोजगारी दर 9.2% है और जहां महिलाओं का बेरोजगारी दर 18.5% है, तो मैं समझती हूँ लगातार युवाओं का मनोबल गिराने का काम इस सरकार ने किया है। और अग्निवीर जैसी योजना ला के इस सरकार ने नौजवानों का, युवाओं का, इस देश की प्रतिष्ठा का, सम्मान गिराने का काम किया है। जो सरकार सोशल जस्टिस की बात करती है, लेकिन आज भी यह सरकार जातिगत जनगणना से अपना मुंह मोड़ रही है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह अपराध नंबर 1 पे है। और साथ ही महिलाओं के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर यह सरकार क्या कर रही है। और जहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवाएं चलाकर हमने अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनका हक दिलाने का काम किया था, तो इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। वहीं आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लगभग 1.9% ऑफ GDP आज का खर्चा ये बजट दे रही है स्वास्थ्य के लिए। स्पीकर महोदय, देयर इज नो फोकस एजेंडा फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द कंट्री। Irrespective of the fact, we are speaking about India being the first largest economy and moving towards the third largest economy. And if we see the fast growing population of the country, so 1.9% of the budget is very less for the health services of the country. Sir, decision to exempt 3 cancer drugs is a welcome move by the finance minister. But it is a very small step in the right direction. Sir, ma'am, हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक कैंसर इंस्टीट्यूट जिसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए लगे हैं वह तैयार है, लेकिन ना केंद्र की सरकार ना स्टेट की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सुचारू रूप से वह कैंसर इंस्टीट्यूट चल सके, क्योंकि कैंसर के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर यह कैंसर इंस्टीट्यूट सही ढंग से सरकार चला लेती है तो सस्ता इलाज हम अपने देशवासियों को दे पाएंगे। मैम, देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन द हेल्थ केयर सेंटर, इन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। द डॉक्टर्स, द नर्सेज, द टेक्नीशियंस, इन सब की बहुत भारी कमी है। और जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े एम्स बना लिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना लिए हैं, लेकिन 100% तरीके से कोई भी मेडिकल कॉलेज या एम्स सुचारू रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि भारी डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है। इसी के साथ जो टीचिंग फैकल्टी में भी भारी टीचर्स की कमी है। सर, जो सरकार कुपोषण के बारे में बात कर रही थी, जो भारत को अनीमिया मुक्त बनाने के बारे में बात कर रही थी, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने वादों में विफल हुए हैं। आपने जो वादे करे थे लोगों को, आपने सारे वादे जनता के साथ वो वादों को तोड़ने का काम किया है। सर, जहाँ आप GDP की बात करते हैं, जहाँ आप थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वही हमें बात करनी है पर कैपिटा इनकम की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करनी है, हमको महंगाई बांधने की बात करनी है, हमको इलाज मुफ्त और सस्ता दिलाने की बात करनी है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ उसमें भी समय सीमा तय होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी समय सीमा निर्धारित हो, क्योंकि यह टैक्स का मनी है, ये जनता का पैसा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैम, 2 मिनट्स आई विल टेक। मैम, यह जनता का पैसा है और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं।